जी, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो ऐसा प्रोसेस है जिसका मतलब होता है, फोटो मीन होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। लाइट की मौजूदगी में किसी चीज के फूड के बनने को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और ये स्पेसिफिकली प्लांट्स में होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास आते हैं प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आती है, प्लांट्स आती है, ठीक है। अब प्लांट्स के अलावा जो ऑर्गेनिज्म खुद अपनी फूड नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद अपनी फूड तैयार करने वाले, और वो ऑटोट्रॉफ इसलिए उन्हें कहते हैं, और हेटरोट्रॉफ मीन दूसरों पे डिपेंड, हेट्रो मीन दूसरों पे डिपेंड करने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ गए। अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होगा क्या, हमारे पास होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे हवा से लेते हैं, हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी जो कि पौधे हवा से लेते हैं, ठीक है, इसको हम सही करके लिख लेते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ मौजूद है, तो ये गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएगी, ठीक है। फिर हमारे पास पानी जो के पौधे जो है जमीन से जड़ों से एब्जॉर्ब करते हैं, जब हम उन्हें पानी देते हैं वाटर आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमें चाहिए होगी सनलाइट, सूरज की रोशनी जो के पौधों पे जब पड़ती है तो वो पौधे उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसे एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारे पास एक पिगमेंट होता है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का मैटर होता है, पौधों में ज्यादा, पौधों के पत्तों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये मौजूद हो, ये चारों चीजें जब होंगी तो हमारे पास रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास कैसे आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लांट की डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास लीफ है, ठीक है। लीफ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ये इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमने सेल ऑर्गेनाइज में पढ़ा था, और पौधों के पत्तों के, सॉरी, नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। स्ट्रोमेटा जो होते हैं वो गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन जब बनेगी रिएक्शन में तो हमारे पास वो यहाँ बाहर रिलीज होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो किस तरह का होता है, पत्तों के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पिगमेंट है, ठीक है, ये पत्तों के अंदर पाया जाता है, ये क्लोरोफिल है। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब सनलाइट, यहाँ लिख लेते हैं एब्जॉर्ब सनलाइट। अब ये रिएक्शन जो होता है कि सारा इसके अंदर हो रहा होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, एक और डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई जी, ये हमारे पास पूरे फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या हो रहा है, हमारे पास जी मौजूद है सनलाइट जो के पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, पौधों के पत्ते लीफ जो होंगे, ये लीफ जो है इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से ली जाएगी, ठीक हो गया, और पानी जो है पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके अंदर एक ट्यूब मौजूद होती है जिसके थ्रू पत्तों तक, ऊपर तक पानी आता है, उसे हम जाइलम कहते हैं, ठीक है, जाइलम कहते हैं। जाइलम जो है ये पानी को ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो हमारे पास बनते हैं वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, और ये हमारे पास रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम यहाँ इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ हम लिख लेते हैं 6H2O, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हमें सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है, सनलाइट जो है वो सूरज से आएगी, सनलाइट। और ये रिएक्शन हो किस जगह पर रहा है, जहाँ पर ये हो रहा है जो इसे स्पेस प्रोवाइड कर रहा है क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल जो कि ऑर्गेनेली होता है प्लांट के लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली वो इंडिपेंडेंट सेल के अंदर मौजूद पार्ट होता है जो कि अपने फंक्शन जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। तो हमारे पास बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 इसे हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या बना है, ग्लूकोज जो कि फूड है, और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है, ऑक्सीजन बनेगी, हम ऑक्सीजन को यहाँ लिख लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन के बनते हैं, O2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसे हम C6H12O6
C6H12O6 कहते हैं, ये यूज होती है एज ए फूड, ठीक है। इसे एनिमल भी यूज करते हैं, प्लांट खुद भी यूज करते हैं, और ऑक्सीजन जो कि हमें बहुत अबंडेंटली चाहिए होती है सांस लेने के लिए, तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म इसे यूज करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन भी जो है ये प्रोडक्ट बनती है। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ, और ग्लूकोज बनता है जिसको हम जो फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन बनती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए। और हमने देखा ये रिएक्शन जो है प्लांट्स में हो रहा होता है, प्लांट्स के लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल के अंदर होता है, और इसके लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है।